कोरोना महामारी के शुरुआती दौर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत को दी गई एक धमकी आप सबको याद होगी। उन्होंने कहा था कि भारत ने अगर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा के निर्यात पर लगा बैन नहीं हटाया तो अमेरिका भी इसका जवाब देगा। दरअसल ये दवा तब कोरोना वायरस के इलाज में कारगर साबित हो रही थी और भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश था। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन मलेरिया की पुरानी दवा है, लेकिन अमेरिका ही नहीं दुनिया के कई देश इसके लिए आज भी भारत से गुहार लगाते हैं। आज की तारीख यानी 16 जून का संबंध उस महान वैज्ञानिक प्रफुल्ल चंद्र रे से है जिसके बूते भारत इस दवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश बना। 16 जून 1944 को कोलकाता में इस महान वैज्ञानिक, स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक ने अंतिम सांसें ली थी, जिन्होंने कहा था, विज्ञान इंतजार कर सकता है लेकिन स्वराज नहीं। आज झरोखा में होगी इन्हीं की बात। वो साल 1873 के दिन थे। 12 साल की उम्र का एक लड़का अपने पिता की लाइब्रेरी में एक अंग्रेज लेखक की किताब पढ़ रहा था। इस पुस्तक में दुनिया के 1000 महान लोगों की सूची थी। उसमें सिर्फ एक भारतीय नाम राजा राम मोहन रॉय का था। इस छोटी सी उम्र में उस बच्चे को इससे बड़ा धक्का लगा और उसने ठान लिया कि इसमें वह अपना भी नाम छपवा कर रहेगा। उस बालक का नाम था आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे। उन्हें भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग का जनक माना जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो वे भारत में केमिस्ट्री के भी जनक हैं। प्रफुल्ल चंद्र रे का जन्म 2 अगस्त 1861 को जैसोर में हुआ था। ये जगह अब बांग्लादेश में है। उनके पिता हरीशचंद जमींदार घराने के थे और बांग्ला, अरबी, फारसी, संस्कृत और अंग्रेजी के बड़े विद्वान थे। उनके आधुनिक और सुधारवादी रवैये की वजह से पुरातन पंथी लोग उन्हें मलेच्छ कहकर पुकारते थे। ऐसे वातावरण में प्रफुल्ल चंद्र रे पले और बड़े हुए। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की ही पाठशाला में हुई। 1871 में जब उनके पिता कोलकाता आ गए तो उनका दाखिला डेविड हेयर के स्कूल में हुआ। पढ़ाई चलती रही लेकिन पिता की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। प्रफुल्ल प्रतिभा के धनी थे, लिहाजा उन्हें इंग्लैंड की एडिनबरा यूनिवर्सिटी की छात्रवृत्ति मिल गई। साल 1887 में जब वे स्वदेश लौटे तो कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में 250 रुपए की तनख्वाह पर सहायक प्रोफेसर की नौकरी मिल गई। मगर उनमें देश के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून इस कदर था कि नौकरी के साथ साथ उनका प्रयोग भी चलता रहा। उन्होंने मर्क्यूरस नाइट्रेट नाम के रसायन की खोज की और इससे पूरी दुनिया में उनकी ख्याति हो गई। आचार्य रे विलक्षण इसलिए थे क्योंकि उन्हें विज्ञान के साथ साथ इतिहास का भी ज्ञान था। इसी दुर्लभ संयोग की वजह से उन्होंने एक मशहूर किताब लिखी जिसका शीर्षक था द हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। 2 खंडों में प्रकाशित इस किताब की दुनिया भर में चर्चा हुई। इसके लिए उन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मानित किया गया। बाद में आचार्य रे ने बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड नाम से एक कंपनी की स्थापना की। आज से 121 साल पहले स्थापित इस कंपनी ने भारत में क्लोरोक्वीन दवा बनाई। साल 1934 में पहली बार इस कंपनी ने ये दवा बनाई जो मलेरिया के लिए रामबाण साबित हुई। आचार्य रे जिस वक्त ये सब कुछ कर रहे थे तब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन जोरों पर था। कहा जाता है कि महात्मा गांधी पहली बार कोलकाता आए तो इसकी वजह आचार्य रे ही थे। असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने अपने भाषण में कहा था, मैं रसायनशाला का प्राणी हूँ, मगर ऐसे भी मौके आते हैं जब वक्त का तकाजा होता है कि टेस्ट ट्यूब छोड़कर देश की पुकार सुनी जाए। आचार्य रे के बारे में महात्मा गांधी ने कहा, यह विश्वास करना कठिन है कि साधारण सी भारतीय वेशभूषा और सहज व्यवहार वाला यह व्यक्ति महान वैज्ञानिक और प्रोफेसर हो सकता है। आचार्य रे का सपना था कि देश इस मुकाम पर खड़ा हो जहां उसे जीवन रक्षक दवाओं के लिए पश्चिमी देशों का मुंह न ताकना पड़े, और आज उनका वह सपना सत्य होता दिखाई दे रहा है क्योंकि दुनिया की कई बड़ी महाशक्तियां कई जीवन रक्षक दवाओं के लिए भारत की ओर देखती हैं। चलते चलते आज की तारीख में हुई दूसरी बड़ी घटनाओं पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। 1911 में आज ही के दिन IBM कंपनी की स्थापना न्यूयॉर्क में हुई थी। 1950 में हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती का जन्म आज ही के दिन हुआ था। 2007 में सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में सबसे लंबे वक्त तक रहने वाली पहली महिला बनी, और 2008 में कैलिफोर्निया में समलैंगिक जोड़े को शादी करने का लाइसेंस मिला। झरोखा के इस खास अंक में इतना ही। एडिटर जी हिंदी से मैं मुकेश आप सभी से अलविदा लेता हूँ। मिलता हूँ अगली बार एक नई अनसुनी कहानी के साथ। अपना ध्यान रखिएगा।